Hey guys, welcome to the vlog again. I am in right now in Nagpur. और नागपुर में मैं कपसी में हूँ. मेरे होश का घर यहाँ से 10 किलोमीटर दूर. और यहाँ पर सिटी बस, एक टैक्सी वाले भैया से पूछा तो वो बोलते सिटी बस नहीं मिलेगी. तो मैं जा रहा हूँ ऐसे ही पैदल यात्रा करके, क्योंकि टैक्सी वाले बहुत ज़्यादा मांग रहे थे. तो ऐसे ही जाना पड़ेगा. मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगा थोड़ा. मेरे ट्रक वाले भैया मस्त विश्राम कर रहे थे और मैं आ गया, क्योंकि मुझे सिटी बस लेनी थी, बट यहाँ सिटी बस ही नहीं चलती. इधर ज़्यादातर मुझे ट्रक ही देखे अभी तक कपसी में, तो आगे देखते हैं. इधर की नागपुर की एक खास बात ये लगी कि यहाँ पे फ्लाईओवर बिल्ड हो रहा है. ये वाला फ्लाईओवर बन रहा है. और इधर के पुलिस स्टेशन में पुलिस नहीं लिखा था, पॉलिस लिखा था. पॉलिस, हाँ शायद मराठी में बोलते होंगे. देखते हैं, आगे जा रहा हूँ. अभी 8 किलोमीटर बचे हैं मेरे होस्ट के घर से. मॉर्निंग वॉक भी हो जा रहा है. यहाँ सिटी बस शायद नहीं मिलती है कपसी से, बट गूगल मैप में बता देता, लेकिन वही है, गूगल मैप ऊपर आप विश्वास उतना नहीं कर सकते. तो अभी कर रहा हूँ इंतज़ार अपने होस्ट का, वो आ रहे हैं. यहीं पर बैठा हूँ, अपना बैग वैग रख के देखता हूँ कब तक आ जाए. अभी मैं आया था स्वामी नारायण मंदिर नागपुर में, बट उधर कैमरा अलाउड नहीं था तो मैंने दिखा नहीं पाया. टोल्स ली है कुछ तो, बट अंदर का अलाउ नहीं था. काफ़ी अच्छी जगह थी, हिस्टोरिकल थी और अच्छे अच्छे आर्ट्स थे उधर से. अब चल रहा है अपन को आगे की कुछ फेमस प्लेसेस. मैंने कभी प्लान नहीं करता हूँ मैं, तो जैसा देखेगा वैसे ही जाऊँगा. अब मैं सोच रहा हूँ कि गांधी सागर लेके कोई, तो मैं वहाँ जाने वाला हूँ. यहाँ से करीब लाइक 5 किलोमीटर है, तो मैं वॉक करना ही पसंद करूँगा, बिकॉज टैक्सी के बहुत ज़्यादा ही चार्जेस हैं इधर के. वैसे ये टेंपल काफ़ी अच्छा लगा वहाँ पे, मतलब वीडियो अलाउड नहीं थे इसलिए नहीं दिखा पाया. जाऊँ लिफ्ट लेकर जाऊँ, बट यहाँ पे टैक्सी वाले रोक देते हैं. मेट्रो भी आ रही है, मेट्रो का तो पता नहीं कितने चार्जेस हैं, बट मैं सोच रहा हूँ कि लिफ्ट लेकर ही जाऊँ आगे तक. नहीं मिल रही भाई यार, लिफ्ट लेने का ट्राई कर रहा हूँ. आगे तक छोड़ दोगे भैया? थैंक यू. तो भैया ने लिफ्ट दे दिया. क्या नाम है भैया आपका? केशव. भैया ने लिफ्ट दी है आगे तक. क्या मैं जा रहा हूँ गांधी सागर लेक, तो वहीं आसपास ही छोड़ दीजिएगा जहाँ तक आप जा रहे हैं. हाँ गांधी सागर लेक जा रहे हैं वही. तो नागपुर सिटी में सक्सेसफुल लेक मिल गई. मुझे लगता है पिछले बार बैगेजेस की वजह से नहीं मिल रही थी, लेकिन इस बार थोड़ा सा बैगेज. ठीक है भैया, आप अगर यहाँ से अगर घूम के अगर जाते हो, मॉल है. अच्छा इंटरेस्ट मॉल. अच्छा वहाँ से अगर थोड़ा आगे निकलते तो वहाँ से कोई भी बर्थडे के लिए आपको लिख देगा. ठीक है भैया, थैंक यू. भैया ने बहुत हेल्प करी हमारी, थैंक यू सो मच. अब चलते हैं आगे. मैं आ गया हूँ गांधी सागर लेक पास. उधर नहीं जा सकते क्योंकि भैया टूटू कर रहे हैं. तो बाद ये आ गई गांधी सागर लेक के पास.
ब्लॉगिंग अंकल पूछ रहे थे क्या है, पूछते रहते भाई रास्ते में, और आपको ऐसे घूर के देखेंगे ना आपको शर्म आने लगेगी, आप छोड़ दोगे, आसान नहीं होता है। ये गाँव का देखेंगे और क्या, मैं बोल सोच रहा हूँ कि पूरा राउंड लगाऊं ऐसा, जो कि एक अच्छी बात होगी। इधर से जो पास में अगर कोई और टूरिस्ट ऐसे अट्रैक्शन होगा तो और आगे जाऊंगा, नहीं तो यहीं तक ही रहूंगा। भाई मैं तो सोच रहा हूँ हाइकिंग के टाइम एक हेलमेट जरूर रख लूँ, क्योंकि साउथ में दिक्कत जाएगी, और रखना चाहिए क्योंकि उधर बहुत मस्त जगह लगी है। अब तक का बेस्ट मतलब एक्सपीरियंस इन नागपुर, एक तो वो हिस्टोरिकल प्लेस भी अच्छी थी, ये भी अच्छी है, मस्त है, लुक एट द व्यू। मस्त जगह है ये वाली। भैया लोग को देखो, भैया लोग क्या कर रहे हैं, भैया लोग मस्त अपना मॉल है जो सामने दिख रहा है। जो लिफ्ट वाले अंकल थे उनने बता कर गए कि जा सकते हो मॉल, बट मैं मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं कहाँ पर भाई, लेकिन आ तो गया हूँ यहाँ, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि मैं वापस जा पाऊँगा, मतलब मेरे को नहीं पता कि मैं कहाँ पर, गूगल मैप भी गलत रास्ते बता डालता है जैसा सुबह हुआ। गूगल मैप पे तो कभी भरोसा ही नहीं करना, अब मैं गूगल मैप पे भरोसा ही नहीं करूँगा। सुबह मैं 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल गया था, क्योंकि आज बैंड बज गया पैर के, इसलिए मुझे लग कुछ होगा। ये वैसे अभी रिनोवेशन हो रहा है, इसका काम चल रहा है। मेरे होस्ट भी काफ़ी अच्छे हैं, उन्होंने मुझको मतलब टिफिन भी दे दिया है कि मतलब आराम से घूमो, और अच्छे उनका भी एक चैनल है, ट्रैवलर हैं वो भी, तो बढ़िया लगा यार नागपुर में आकर। अब तक का नागपुर का ठीक एक्सपीरियंस रहा, सिवनी का तो। अब चलते हैं दूसरी प्लेस पे। भाई फर्स्ट टाइम किसी भी रिक्शे वाले भैया ने लिया है लिफ्ट, टैक्सी वाले, भैया क्या नाम है आपका, प्रसाद भैया ने लिफ्ट दी है मुझे, थोड़ा दूरी है लेकिन दे दी। तो भैया टैक्सी वाले अंकल ने लिफ्ट दे दी थी, अब चलते हैं पार्क के अंदर। हाउ मच, कितना, 5 रुपीज, ठीक है, थैंक यू अंकल। चलो भाई ये अपना गांधी बाग का पार्क, जो कि नागपुर में ही है। बस अभी मन किया तो मैं आ गया थोड़ा घूमने, खाली अभी तो। भाई पहली बार किसी टैक्सी वाले भैया ने लिफ्ट दी, नहीं तो 100 के ऊपर से बात नहीं करते थे। अच्छा है पार्क, ऐसा नहीं है, बढ़िया पार्क है। लेक लेकिन बेस्ट था, लेकिन वो उसका रिनोवेशन चालू था। पार्क भी अच्छा है, और चार्जेस भी कम है भाई, 5 रुपीज, मस्त। क्या चाहिए 5 रुपीज में, पार्क घूम लो। अभी तक अपने होगा टोटल 3 टूरिस्ट अट्रैक्शन, इसके बाद मैं देखूंगा कि आसपास लोकल से ही पूछूंगा, मैप में नहीं देखूंगा, क्योंकि मैप में उल्टा सीधा बताता है और समझ में भी नहीं आता, तो मैं गूगल पे ही देखूंगा, वो लोकल से ही पूछूंगा। यह भैया अपना एरोप्लेन, जो कि पार्क में ही है, सी प्लेन है भाई ये तो, ये अपना है सी प्लेन, जो कि उड़ रहा है अभी।
रात में अच्छा दिखेगा उड़ता हुआ। अच्छा पार्क है भाई है। थोड़ी देर बैठ के मैं खाऊंगा यहाँ पर लंच जो कि भैया ने दिया था, इसके बाद मैं यहाँ से जाऊंगा। अभी मैंने आप लोगों को होस्ट से नहीं मिलाया, लेकिन जल्दी दिखाऊंगा अपने होस्ट को। काफ़ी फ्रेंडली है वो और सब कुछ बता दिया उन्होंने कैसे जाना कैसे नहीं, और हिचाइकिंग के भी मज़े हो गए भाई मेरे। मैं सोच रहा हूँ कहीं का खाना मिल जाए मुझे खाने की जगह बैठने, और भूख भी लगी अब थोड़ा ही, तो मैं पहले खाना खाऊंगा इसके बाद ही अपन बाहर जाते हैं। चेयर